अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ दो एम्ब्रॉयडर्ड सूटों की डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ कि किस तरह हम अपने एम्ब्रॉयडर्ड सूटों को डिसेंट और स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। इस शर्ट की नेक लाइन एम्ब्रॉयडर्ड है और इसका दामन जो है ना वो प्रिंटेड है। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं और इसमें से मैंने ऑरेंज कलर का फैब्रिक यूज़ किया है। कंट्रास्ट फैब्रिक यूज़ करते हुए मैंने इस शर्ट की जो नेक है ना, इस पर छोटी सी खूबसूरत सी फ्रिल बनाई है और इसको बोट स्टाइल में अटैच कर दिया है। इस शर्ट की स्लीव्स प्रिंटेड हैं और इसके आगे ये बॉर्डर बना हुआ था। इसके मैंने स्ट्रेट बाजू रखे हैं और उसके आगे सेम वही डिजाइनिंग करके छोटी सी फ्रिल अटैच कर दी है। इस शर्ट को मैंने ए लाइन स्टाइल में स्टिच किया है और इसके स्लिट छोटे रखे हैं। ये देखिए, इसके छोटे स्लिट रखे हैं और सेम उसी रंग की ऑरेंज कलर की मैंने फोल्डिंग इसके शर्ट के नीचे अटैच की है। ये 3 इंच चौड़ी फोल्डिंग है। फ्रंट पे और बैक पे सेम तरह की फोल्डिंग मैंने अटैच की है। इसके साथ मैंने बेल बटन ट्राउजर स्टिच किया है और इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड पैच मिला था। मोस्टली ट्राउजर्स पर जो पैच अटैच होता है वो साइड वाली स्लाइड पर पैच अटैच किया जाता है, लेकिन मैंने इसका एम्ब्रॉयडर्ड पैच, ये बेल बटन पजामा था, इसके मेन फ्रंट पे अटैच किया है, जिससे इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। और सेम वैसे ही ऑरेंज कलर की फ्रिल बनाकर इसके नीचे मैंने अटैच कर दी है, जिससे इस ट्राउजर की लुक में और ज़्यादा इजाफा होगा। इस सूट के साथ प्रिंटेड क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है और इस दुपट्टे के चारों तरफ मैंने ये डिजाइनिंग वाली पिको करवा ली है। दूसरी शर्ट भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, इसलिए मैंने इसकी नेक पर कोई हैवी डिजाइन नहीं बनाया। इसकी मैंने गोल नेक बनाकर उसके ऊपर बैन अटैच कर दिया है और यहाँ पर छोटी सी वी बनाई है और उसके नीचे मैंने डोरी अटैच कर दी है, जिससे इसकी लुक बहुत डिसेंट आई है। इसके स्लीव्स पर मैंने डबल इलास्टिक अटैच किया है, डबल इलास्टिक अटैच करके चुनट डाली है, जिससे इसकी स्टाइलिश लुक आ रही है। इस शर्ट की कमर के पास मैंने प्लेट्स डाले हैं, फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर मैंने प्लेट्स डाले हैं, जिससे इसकी फ्रॉक लुक आ रही है। और इसके दामन पर बॉर्डर बना हुआ था और बॉर्डर के नीचे मैंने ये पाइपिंग अटैच कर दी है। फ्रंट बैक दोनों साइड्स पर मैंने ये पाइपिंग लगाई है। इसका मैंने सिंपल ट्राउजर स्टिच किया है और ट्राउजर के बॉटम पर मैंने डबल कटवर्क बनाया। इस कटवर्क को अटैच करने के लिए मैंने एक एक बीड्स के साथ इन दोनों को आपस में अटैच कर दिया, जिससे इसकी डिसेंट लुक आ रही है। इस सूट के साथ क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है और इसके दुपट्टे के चारों तरफ मैंने बेबी पिको करवाई है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।